आइए अलाउ योर सेल्फ टू बी अ बिगिनर नो वन स्टार्ट ऑफ बींग टूडे इज ट्वेंटीबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन डे नंबर थ्री सिक्स जीरो फाइव मोर डेज टू गो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रैपिड जी के स्टडी क्वेश्चन के आंसर्स हैं जिंडुआ लुडी और डंडास ये फोक डांस है पंजाब के वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आता है आई ये पाँच हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ये फाइव ऑर्गन्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस वन टू थ्री प्रोमलगेटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है मंथ मंथ प्लस वीक्स क्यों क्योंकि पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम सिक्स मंथ होता है 1952 में फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा स्टार्ट हुआ था और लॉर्ड रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आज के सवाल हैं हु लुक्ड आफ्टर फॉरन अफेयर्स इन छत्रपति शिवाजी महाराज अष्ट प्रधान द जेन टेक्स विच कंटेन्स द बायोग्राफीज ऑफ द तीर्थंकर इज नोन एज वॉट विच बिल और एक्ट इज नोन एज वाइट म्यूटिनी वाइट म्यूटनी पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस ऐसा किसने कहा था एम्बेसडर ऑफ सेलूकस इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज हुम सो ये पांच सवाल हैं आज के लिए आज की वोकैबलरी है एप्सटेड मतलब संयम बरतना गिवन टू और मार्क्ड by रिस्ट्रेन इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस एपेटाइट्स डिसिप्लिन सटल का मतलब होता है सूक्ष्मता द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बींग सटल वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व नेवर डन और नोन बिफोर ग्रैंड का मतलब है शान स्पलेंडर इम्प्रेसिवनेस एस्पेशली ऑफ अपियरेंस और स्टाइल सेंट्रल विस्टा सो ये वोकेबलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज दिंदू संडे दिसंबर ट्वेंटी डेली एडिशन है नोट्स आई एल शेयर बाई इवनिंग सो जो फर्स्ट न्यूज है वो है वैक्सीनेशन अब मिलेगा फिफ्टीन टू एटीन ग्रुप एज को भी जनवरी थर्ड से और जो सीनियर सिटीजन हैं फ्रंटलाइन स्टाफ है उनको बूस्टर डोज भी स्टार्ट होगा फ्रॉम जनवरी टेन कल प्राइम मिनिस्टर साहब का लेट इवनिंग टेलीवाइज एड्रेस था कंट्री के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया कॉशन अगेंस्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ये सब बातें प्राइम मिनिस्टर ने कहा प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 15 से 18 एज ग्रुप के लोग एलिजिबल होंगे कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए जो फ्रंट लाइन है हेल्थ वर्कर्स हैं और सीनियर सिटीजन हैं सिक्सटी प्लस जिनको को मॉर्बिडिटी है दूसरी डिसीजेज भी हैं वो भी एलिजिबल होंगे ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर प्रिकॉशनरी थर्ड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के लिए दो डोज हो गए हैं ओमिक्रॉन के थ्रेट के अंडर बिहाफ में थर्ड बूस्टर डोज देने का प्लान है प्राइम मिनिस्टर ने डेट्स अनाउंस किया जनवरी थर्ड से स्टार्ट हो जाएगा रोल आउट ऑफ वैक्सीनेशन 15 टू 18 का और प्रिकॉशन डोज भी दिया जाएगा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर और एल्डरली विथ कोमोर्बिडिटी का जितने भी ये डिसीजंस होंगे वैक्सीनेशन के ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है बैक बाय साइंटिफिक डेटा एंड एक्सपर्ट्स ने बताया वैक्सीनेशन थर्ड डोज देना है नहीं देना है लाइक like दैट तो ये अच्छी बात भी है बिकॉज अगर 15 से 18 के बच्चों को अगर वैक्सीनेशन हम देते हैं तो स्कूल रीओपनिंग में कंफर्ट आ जाएगा स्कूल रीओपनिंग सिक्योर एंड सेफ हो पाएगी फ़िलहाल के लिए जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो 90 परसेंट से ज़्यादा है इलिजिबल वैक्सीनेशन पीपल का 90 परसेंट से ज़्यादा है और 61 परसेंट को डबल डोज भी मिल गए तो वैक्सीनेशन के फ्रंट पे हमने बेटर किया है होपफुली जैसा डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे वेव आया था उतनी सीवियरिटी अभी ओमिक्रॉन में नहीं आनी चाहिए बट वी नीड टू बी प्रपेरड आईसीयूज़, दिस ऑक्सीजन सिलेंडर्स हेल्थ केयर स्टाफ एट्सट्रा इन सब को अपग्रेड अपग्रेड और एडिक्यूट प्रेजेंटेशन रखना ज़रूरी है अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि पैनिक नहीं करना है मेंटेन कॉशन इन द फेस ऑफ दिस न्यू म्यूटेशन ऑफ द कोरोना वायरस कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है और वो क्या होता है मास्क पहनना है और मास्क भी क्लोथ वाला मास्क नहीं जो एन नाइन्टी फाइव आता है वो मास्क बेटर होता है वी आर देट मास्क प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए आपका फेस माउथ एंड फ्रिक्वेंटली वॉश हैंड्स एज वी हैव फेस द कोरोना वायरस अवर एबिलिटी टू फाइट इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूवड तो ये कुछ रेगुलर टॉक्स बताए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल एड्रेस में कि ओमिक्रॉन का जो थ्रेट है उसके बिहाफ में हमें क्या करना चाहिए कोवैक्सिन मीन वाइल जो दूसरी वैक्सीनेशन है इंडिया में प्राइमरली दो वैक्सीनेशन थी एक था एस्ट्राजेनेका का दूसरा था दिस कोवैक्सिन कोवैक्सीन है भारत बायोटेक का एस्ट्राजेनेका का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से रीब्रांड करके सेल हो रहा था तो जो कोवैक्सीन है कोवैक्सीन अब बारह प्लस जो बच्चे हैं उनके लिए भी एडमिनिस्टर की जा सकती है दूसरी वैक्सीनेशन का नाम है जाय कोव डी इसको भी अप्रूवल मिलने का चांस है सो दिस इज द तो दिस इज अबाउट ओमिक्रॉन एंड वैक्सीनेशन अब ये है वाइट क्रिसमस कल क्रिसमस था ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ये मैन ड्रेस है सेंटा क्लॉज आउटसाइड द सेंट मैरीज चर्च एट गुलमर्ग इन नॉर्थ कश्मीर गुलमर्ग मतलब अभी स्नो फॉल भी हो रहा है यहाँ पे सो दैट इज बाय वाइट क्रिसमस सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू नेक्स्ट है प्रमोटिंग हारमोनी तो ये प्रेसिडेंट साहब है रामनाथ कोविंद जी सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल दिल्ली में बच्चों के साथ क्रिसमस प्रेयर एंड वर्ल्ड पीस एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पे प्रे किया गाइडिंग लाइट एयर क्वालिटी कंटिन्यूज टू बी सिवियर दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम दिस इज़ लुकिंग सो गुड गुड फी स्टार ऑफ द फूड फी स्टार्ज ऑफ द ईयर देन महाराष्ट्र में लॉकडाउन ऑक्सीजन डिमांड राइज होगी तो लॉकडाउन लगेगा अभी नाइट कर्फ्यू तो अनाउंस हो गया है पुलिस पर्सनल बैटल अगेंस्ट माइनिंग इन छत्तीसगढ़ इंडिजीनस पीपल आर फाइटिंग टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट अब दिस इज ऑल्सो वन थिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट हमने पढ़ा है एफ जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है जैसे हमने ओडिशा का केस देखा था वहाँ पे आयरन का आयरन ओर का माइनिंग है तो उस जंगल के आसपास जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में ट्राइब्स रहते हैं विलेज रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट आयरन माइनिंग वो पूरी रिवर ही रेड हो गई है और आयरन का हैवी कंटेंट रिवर में फिर ड्रिंकिंग वाटर तो उनकी हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही है तो जब भी ऐसी माइनिंग होती है जैसे छत्तीसगढ़ है ये भी माइंस मिनरल रिच स्टेट है यहाँ कोल भी है आयरन भी है तो ये बैटल कर रहे हैं अगेंस्ट माइनिंग बिकॉज माइनिंग से होता है एनवायरमेंटल कॉस्ट और जो लोकल कम्युनिटी है वो पे करती है प्राइस तो ये कोल फील्ड स्पेसिफिक है इससे थ्रेट है वहाँ पे की बायोडाइवर्सिटी का और उनके एग्जिस्टेंस का तो दैट इज़ वाई हम जैसे फंड लाते हैं कंपल्सट्री अफॉरेस्टेशन करना पड़ता है हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असमेंट लाते हैं बट एट टाइम्स ये सब चीज़ें फेल शॉर्ट और एनवायरमेंट और जो ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं हम वो सेफ गार्ड नहीं कर पाते तो दैट इज़ वाई इधर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूरी होते हैं करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए हैबिटेट और सोशो कल्चरल नीड अदरवाइज रियून हो जाती है सो दिस इज अगेन अ जेनुन दिस कंसर्न दैन यूरोपियन ओमिक्रॉन ट्रेंड्स ऑफर केरला की लेसन्स केरला में भी केसेज आ रहे हैं ओमिक्रॉन के सर्क्यूलेन हाई है स्ट्रिक्ट मेजर्स रिक्वायर्ड है राजस्थान में भी है विजिल टू कर्ब ओमिक्रॉन दैन गिफ्ट फ्राम सेंटा दैन दिस इज अबाउट तेलंगाना अब ये वर्ड क्या है रूर अर्बन ये दो शब्दों से बना है रूरल मतलब गांव अर्बन मतलब शहर गांव में अगर अर्बन मतलब गांव में शहर जैसी फैसिलिटी मिलने लग जाएगी तो उसको बोला जाएगा रूर अर्बन मिशन रूरल में अर्बन तो तेलंगाना का फर्स्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शायमा प्रसाद मुखर्जी रूर अर्बन मिशन ये लॉन्च हुआ था चार साल पहले इसका पर्पज़ क्या था लोकल इकोनॉमीज में डेवलपमेंट लाएँ बेसिक सर्विसेज लाए और वेल प्लान क्लस्टर्स बनाए अक्सर गांव में माइग्रेशन क्यों होता है शहर की तरफ बिकॉज़ गांव में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती अच्छे स्कूल्स नहीं है हॉस्पिटल्स नहीं है फैसिलिटीज़ नहीं है एंड एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं है सो so यहाँ पे होते हैं पुश फैक्टर और वही चीज़ शहर में मिल जाता है सिटी में तो यहाँ होते हैं पुल फैक्टर तो पुश टू पुल लोग यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है कोविड नाइन्टीन के लॉकडाउन में हमने माइग्रेशन क्राइसिस देखा एट द सेम टाइम जो रूरल प्लेसेस है वो डिप्राइव हो रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स एंड बेसिक फैसिलिटीज से सो वाई नॉट हम जो रूरल है रूरल में ही अर्बन लाइक फैसिलिटीज दें सो so दैट ये माइग्रेशन भी हम स्टॉप कर पाए जैसे डॉक्टर वर्गिस कुरियन का भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो विलेजेस होते हैं ये एक्चुअल में ग्रोथ इंजेंज़ हैं हमारी कंट्री के ये ही फुलफ़िल करते हैं ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिटी मल्टीनेशनल दिस मल्टी बिग सिटी सो द पॉइंट इज़ वी नीड टू टेक केयर ऑफ रूरल सेटिंग्स एज वेल तो उसी के लिए आया था ये रूरल अर्बन मिशन तो यहाँ पे प्रोविजन ये हैं कि प्रोविज़न ऑफ अर्बन इंफ्रा होगा रूरल एरियाज़ में रूरल अर्बन मिशन में परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत है पंचायती राज और डेवलपमेंट इन सब चीज़ों पे वर्क करना है द होल आइडिया इज रूर अर्बन का मतलब होता है अर्बन टाइप फैसिलिटीज़ हमें रूरल एरिया में प्रोवाइड करानी है दैट इज रूर अर्बन मिशन देन यूनिटी इज एसेंशियल एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है इंडिया में हम हमेशा ये बोलते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल तो यूनिटी इज एसेंशियल तो यहाँ पे एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि यूनिटी क्यों ज़रूरी है हमारा जो कंट्री चलता है वो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो चलता है रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एंड दिस शुड बी देर तो कंट्री में दिस इज़ एसेंशियल एंड ये जो हेट स्पीच है रूमर मॉन्गरिंग एट्सेट्रा वी शुड नॉट एनकरेज नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मे अटेंड समिट इन गुजरात देन दिस इज़ नेक्स्ट वन मैरिज एज एट ट्वेंटी वन दिस इज़ अ गुड मूव इससे पता है बेनिफिट एक तो हेल्थ फ्रंट पर तो है ही हेल्थ फ्रंट पर ऑल दो दूसरे फैक्टर्स भी हमें इन्श्योर कराने पड़ेंगे लाइक पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बट हेल्थ फ्रंट पर भी अगर ट्वेंटी वन होगा तो हमारे यहाँ जो नंबर खराब हैं जैसे आई एम आर के एम एम आर के ये नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आएगा सो दिस इज़ अ गुड मूव प्लस एटीन नाइनटीन ट्वेंटी टू अर्ली अगर इसमें मेच्योरिटी आएगी ट्वेंटी वन पे ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा तो इकोनॉमिक और करियर वाइज भी बेटर प्रोस्पेक्ट्स होंगे सो दिस इज अ वेरी गुड मूव देन दिस इज देयर डेमोक्रेसी और दिस इज नेक्स्ट पेज और यहां पर है कश्मीरी एप्पल्स फेसेस ईरानियन कीवी पेस्ट हमने इन्वेजिव स्पीशीज पढ़ी है तो ईरान से हम कीवी बुला रहे हैं इस कीवी के साथ साथ पेस्ट्स भी आ रहे हैं पेस्ट क्या होते हैं कीड़े मकोड़े तो ये जो पेस्ट हैं वो कीवी के हैं बट वो इम्पैक्ट करने लग गए एप्पल्स को बिकॉज यहाँ के जो एप्पल्स हैं वो इम्यून नहीं है दिस इन्वेजिव पेस्ट का तो इरेनियन कीवी पेस्ट अफेक्ट कर रहे हैं कश्मीरी एप्पल अब कश्मीर जैसे हमें पता है कश्मीर में जिस टाइप का क्लाइमेट है ये क्लाइमेट फ्रूट्स के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए बड़ा फेवरेबल है हॉर्टिकल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का जी थ्री में फूड प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग और जैसे ये हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर हुआ लद्दाख हुआ हिमाचल हुआ उत्तराखंड हुआ इवन नॉर्थ ईस्ट हुआ इधर का जो क्लाइमेट है ना वो बड़ा सूटेबल है हॉर्टिकल्चर के लिए हॉर्टिकल्चर एक वैली ऑफ फ्लावर भी है वो किस स्टेट में है आंसर तो ये जैसे फ्रूट्स है ना ये फ्रूट्स का बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है और एक ह्यूज इकोनमी है कश्मीर के लिए बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इस इन्वेजिव स्पीशीज के कारण ये जो फ्रूट्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं तो डीलर्स ने बुलाया हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट से हेल्प मांगा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्ट होता है इरानियन कीवी का फ्रॉम अफगानिस्तान कीवी भी एक फ्रूट होता है इट्स वेरी गुड फ्रूट कीवी तो इरानियन कीवी अफगानिस्तान से इंडिया आ रहा है और कीवी के साथ ही आ रहा है ये पेस्ट और ये पेस्ट थ्रेट कर रहा है अपने इंडिया के एप्पल्स को तो यहाँ पे ये बात है कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जाए कोल्ड चेन एसोसिएशन ने भी बोला देर आर प्रॉब्लम इरानियन की भी फ्लड कर रहा है कश्मीर मार्केट और हार्वेस्ट एप्पल जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ पे तो क्यों ना हम जैसे इम्पोर्ट कराते हैं तो वो प्रॉपर सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए बट कई बार पेपर वर्क में करेक्शंस नहीं होते हैं तो इन वैलिड सर्टिफिकेट में ऐसा पास थ्रू हो जाता है तो ये भी एक बात होता है तभी हम देखते हैं जब भी हम यूरोप में भी ऐसे हमारे प्रोडक्ट सेल करते हैं तो फाइटोसैनिटरी मेजर्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है तो जब ट्रेड आता है तो ट्रेड में एक होते हैं बैरियर्स बैरियर्स हो सकते हैं ट्रेड में टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर तो नॉन टैरिफ बैरियर में इस सारी चीज़ें आ जाती है कि आप स्टैंडर्ड्स क्या लग रहे हो फ़ाइटोसनेटरी मेजर्स है कोडेक्स एलिमेंटेरियस है लाइक like दैट तो इंडिया को भी ये जो कीवी है पे, पेस्ट से जो आ रहे हैं और हमारी जो लोकल क्रॉप है वो डैमेज हो रही है तो वी नीड टू तो टेक सर्टेन मेजर्स एग्रीकल्चर का ये जो सर्टिफिकेट वगैरह है इम्पोर्ट का यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड अलर्टनेस ज़रूरी है तो ये दोनों पेस्ट के नाम भी लिखे हैं यहाँ पे दीज आर द नेम्स माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड डेड नियर चिलिका लेकिन ओडिशा दिस इज़ अगेन अ कॉज ऑफ़ कंसर्न माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती है एक जगह से दूसरे जगह ऐसे सीजनल माइग्रेशन करती है घूमती है जैसे कि कैस्पियन सी बेकाल सी अराल सी यहाँ रशिया से किर्गिस्तान में ये स्टेपीज़ है ग्रासलैंड्स हैं मंगोलिया सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया लद्दाख तो मतलब सेंट्रल एशिया का ये जो पोर्शन है यहाँ से ये आते हैं चिलिका लेक में बहुत सारे रीजंस होते हैं जैसे कल हमने टर्टल्स का देखा नेस्टिंग के लिए आते हैं ऋषिकुलिया में तो ये बर्ड्स भी माइग्रेट करती है फॉर पर्पजेज अब कई बार इनकी पोचिंग हो जाती है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो माइग्रेटरी पैटर्न भी इम्पैक्ट हो रहा है और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा इको डाइवर्सिटी में तो ये वार्निंग है यहाँ पर एकोसिस्टम पोचिंग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पे एक्टिवली काम करना चाहिए ये विंटरिंग ग्राउंड है चिलीका लेक लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर बर्ड अब ये चिलिका लेक किस टाइप की लेक है आंसर सॉल्ट है या फिर फ्रेश वाटर है चिलिका लेक क्या लगून है या फिर टेक्टोनिक लेक है विच टाइप ऑफ लेक इज़ चिलिका लेक अब जैसे अभी हमने 21 वन एज पढ़ा तो उसी से रिलेटेड ये है कि एज बढ़ाने से अकेला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं कि इंडिया में आईएमआर ज़्यादा क्यों है तो एमएमआर ज़्यादा क्यों है तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो इंश्योर कराना भी बहुत ज़रूरी है एज अलोन इज नॉट अलोन अ क्राइटेरिया इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बट नॉट एन not a stand alone criteria education exposure to community health worker ye bhi zaruri hai ye bhi zaruri hai despite raising the age of marriage in accessing a facility to तो problems kya aati hai sabse bada jo challenge aata hai wo aata hai poverty गरीबी अगर एक सबसे बड़ी हमें problem, सबकी common problem बताए ना जिससे सारा वेलफेयर वर्क भी करेक्ट हो सकता है तो वो सिंगल एनिमी होता है poverty. पोवर्टी इज देर एजुकेशन एक्सेस नहीं है एक्सपोजर टू कम्युनिटी हेल्थ वर्कर नहीं होता तो इस सब के कारण भी जो हेल्थ है मदर का भी डिटीरियोरेट होता है और जो बच्चा होता है वो भी वीक आता है सो मदर विल बी एबल टू हैव सेफ बर्थ इन अ मेडिकल फैसिलिटी तो यूटिलाइजेशन ज़रूरी होगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन द कंट्री तो एट द सेम टाइम 21 किया है एट द सेम टाइम पॉवर्टी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सेट्रा भी इंश्योर कराना ज़रूरी है तो ये सारे फैक्टर्स हैं ये भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड तो चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे स्टॉप करना है तो ये ऐसी रिपोर्ट में ये डेटा आया कि एक्चुअली क्या होता है जो भी सॉल्यूशन होता है ना वो मल्टी प्रोन्ज होता है ऐसा नहीं कि केवल एक फैक्टर से सॉल्यूशन करेक्ट रिजल्ट आ जाएंगे नो मल्टीपल हमें मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच रखना पड़ता है तो दिस इज़ देयर तो हमारा जो प्राइमरली क्राइटेरिया होता है हमारे यहाँ जैसे ये स्टेट्स हैं लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं मटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है असम में बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड एमपी पी ओडिशा राजस्थान यूपी एंड उत्तराखंड में सो अवर फोकस इज ये जो मटरनल मोटैलिटी रेट है इसको इम्प्रूव कराना है इसको कम करना चाहिए दिस रेट को और उसी के लिए ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी चेंज करने की ज़रूरी है जो एक्सेस है बैरियर्स हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाता या फिर कॉस्टली फैसिलिटीज़ होती है गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ है वो इनसफिशेंट होती है देन फिर प्रॉपर केयर नहीं मिल पाता तो टेक्निकल वहाँ पे ट्रेनिंग स्टाफ नहीं है ह्यूमन रिसोर्स नहीं है ये सब चीज़ें जो है रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वहाँ पर भी वर्कआउट करना चाहिए जननी सुरक्षा योजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सारे स्टेट्स का डेटा है जैसे ये लेबर रूम है इन अ हेल्थ सेंटर इन सीतापुर यूपी तो दिस वी नीड टू वर्क देन चाइना ने रिप्लेस किया कॉन्ट्रोवर्सियल पार्टी सेक्रेटरी इन शिन जियांग अभी शी जिनपिंग की एक बुक भी आ रही है वो अमेजोन में सेल होगी बट कंडीशन ये है जिसने उसको फाइव स्टार रेटिंग दी है वो ही रिव्यूज वहाँ पे दिखेंगे बाकी नहीं दिखेंगे तो दिस टेल्स की चाइना में सेंसरशिप बहुत ज्यादा है अ टेलीस्कोप ऑन मिलियन माइल वॉयज वॉयज क्या होता है लॉन्ग जर्नी होती है जैसे समुद्र में करते थे दैट इज वॉयज तो यहाँ लॉन्ग जर्नी होगी स्पेस में सो दिस इज अ टेलीस्कोप ऑन मिलियन माइल वॉयच तो इससे क्या होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन तो दिस इज बेसिकली अ टेलीस्कोप टेली मतलब दूर का स्कोप मतलब देखना तो दिस इज अ टेलीस्कोप तो ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी एक्चुअली टेलीस्कोप अगर ग्राउंड पे रखते हैं तो ऊपर आ जाता है एटमोस्फियर तो हम प्रॉपर एटमोस्फियर डिस्टर्बेंसेस के कारण दूर का नहीं देख पाते तो नॉट पुट सैटेलाइट्स इन स्पेस और फिर स्पेस से बेटर क्लैरिटी होगा तो हम जो फार फार ऑब्जेक्ट्स से उनका क्लियर विजन ले पाएंगे तो ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है ब्लास्टेड ऑफ मतलब टेक ऑफ किया अपने ऑर्बिट में स्पेस में क्या होता है ऑर्बिट ऐसे एक फिक्स्ड पाथ होगा जिस पे ये ऐसे घूमेगा जहाँ पे ये रहेगा और वहाँ से ये स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगा तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट है डेढ़ मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ पे ये एक ऑर्बिट है तो काफ़ी डिले भी चल रहा था इसका बट फाइनली इसको लॉन्च किया टेक ऑफ हो गया है इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तीन डेकेट से बन रहा था बिलियन डॉलर्स लग गए इसमें तो फाइनली इसे एरियन फाइव रॉकेट कोरू स्पेस सेंटर फ्रेंच ग्वेना से लॉन्च किया गया तो ये लॉन्च हो गया है टेक ऑफ ऐसे हुआ ओके अब ये एक आध महीना लगेगा रिमोट डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा ये हमें बताएगा कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ अर्थ लाइक प्लैनेट्स कैसे बने सोलर सिस्टम कैसे बना तो एक्सप्लोरेशन होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन ये जो नाम है वेब ये नासा के डायरेक्टर के नाम पर है इससे पहले एक हब्बल टेलीस्कोप भी था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप था वो बट अब पुराना हो गया है तो दिस इज एडवांस्ड वर्जन दिस वेब तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी काफ़ी ज़्यादा बस भी बना हुआ है एक्साइटमेंट भी है स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इवेंट रहेगा अब इतना टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होती है ये टेलीस्कोप टेलीस्कोप बेसिकली क्या होता है जैसे ग्लासेस होते हैं तो ये ग्लासेस से क्या होता है इनका डाया अपर्चर फोकल लेंथ ऐसे करके सिमेट्री से हम बनाते हैं ताकि हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाए तो टेलीस्कोप में यही है इसका डाया इतना है 6.5 मीटर का है हब्बल से ज़्यादा बड़ा है और इसमें एक्चुअली क्या होता है ग्लास कंटेमिनेट भी हो जाता है तो हमें बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है लाइक फेयरिंग हो रही है इसमें या फिर ह्यूमन पार्टिकल या डस्ट तो नहीं आ गई इवन ह्यूमन ब्रेथ का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है तो ये सारे प्रिकॉशंस करके एक्सेप्शनल दिस मेजर्स लेके इन्होंने ये पूरा ग्लास का दिस बनाया टेलीस्कोप इसको लॉन्च भी कर दिया है अब टाइम लगेगा इसमें देखते हैं अगर सब फ्लॉलेसली कम होता है तो ये अपने ऑर्बिट में प्रॉपरली पहुंच जाएगी और इट विल स्टार्ट वर्किंग तो दिस इज देयर हब्बल टेलीस्कोप 1990 में आई थी और अभी जेम्स वेब अभी दिस टेलीस्कोप है अब ये जो पॉइंट है ना अर्थ में अर्थ में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं ऑर्बिट्स होते हैं ऐसे बाहर स्पेस में ये जो पॉइंट्स होते हैं लेगरानज टू पॉइंट तो ये ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें जैसे ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है अर्थ का सन का लाइक दैट तो बैलेंस आउट होता है वहाँ पे तो ये पॉइंट चूज़ किया गया है इसके लिए अर्थ सन और मून सेम साइड ऑफ द सन शील्ड पे रहेगा तो इसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा तो ये सब बातें अभी अब इसको हमने समझ लिया है दो हफ्ते बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है प्रॉपरली डिप्लॉय होता है या नहीं होता है तो दिस इज टेलीस्कोप रशिया ने ब्लॉक किया राइट्स ग्रुप साइट ऑफिशियल दिस फॉरेन एजेंट आफ्टर इट बैक्स विक्टिम ऑफ परसिक्यूशन रशिया में भी सेंसरशिप बहुत चलती है ये म्यांमार है सऊदी और यमन में फिर टेंशन स्टार्ट हो गया रूलिंग अगेंस्ट एन सूडान में भी टेंशन चल रहा है अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक स्टडी है डिस्टेंट मैग्नेटर रिवील्स फेस ऑफ एग्जॉटिक स्टार तो ये कोई एग्जॉटिक स्टार है डिफरेंट टाइप का स्टार है उससे रिलेटेड ये स्टडी है द हिंदू में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं इनका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है दैट इज़ वाई इतना डवेल नहीं करना है ये एक्चुअली रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स आते हैं रिसर्च मतलब किसी जर्नल में आया है किसी साइंटिफिक पब्लिकेशन बुक वगैरह में आया उससे रिलेटेड होते हैं हमें इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना प्राइमरली वहीं पे फोकस करना चाहिए वरना इतना वेरिड हो जाता है कि इसको फिर रिकलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा जैसे स्टेलर फायर वर्क है तो ये स्टार है अब हमें इसमें क्या पता होना चाहिए स्टार क्या होता है प्लान क्या होता है है ना देन गैलेक्सीज कैसे बनती है यूनिवर्स कौन सा है मिल्की वे कौन सा है दीज बेसिक बेसिक थिंग्स वी शुड बी नोइंग अब जैसे ये मैग्नेटर है मैग्नेटर में वॉयेंट फ्लेयर्स हो रहे हैं तो ये फ्लेयर्स देखिए शॉर्ट दिस प्रेजेंट मेजर चैलेंज हो रहा है जैंट फ्लेयर है मैग्नेटर सो दिस इज़ दैर ओके डिस्टेंट स्टार ये मिला है करीब तेरह मिलियन लाइट ईयर देन ये सेलेस्टियल नोमैड है अब इसमें स्नैपशॉट्स में भी जो आर्टिकल्स आते हैं वो प्राइमरली रिसर्च वाले ही आ रहे हैं आजकल सेलेस्टियल नोमैड है नोमैड क्या होता है जो घूमता रहता है तो अब जैसे स्टार है प्लानट है प्लानेट यूजली एक स्टार से अटैचड होता है जैसे अर्थ अटैचड है सन से ये सेलेस्टियल नोमैड है मतलब ये जो है घूमता रहता है ये किसी एक जगह फिक्सड नहीं है रोग प्लानट्स आर नॉट अटैच टू अ पर्टिकुलर स्टार तो ये नेचर एस्ट्रोनॉमी बुक में ये आया ये टॉक्सिन पेन किलर है इस स्टडी में ये पाया गया कि ऐसा जो बैक्टीरिया है एंथ्रेक्स बैक्टीरियम ये जो पेन है उसको हेल्प करता है सबसाइड कर देता है पेन सेंसिंग न्यूरॉन्स रिसेप्टर एंथ्रेक्स एक्सप्लॉयटेड बाय द रिसर्चर सो दिस इज़ आल्सो वन रिसर्च अब रिसर्च से कुछ फाइंडिंग्स आएगी फाइंडिंग से फिर वो कमर्शलाइज होगी तब जो कमर्शियल स्केल पर आएगी वो चीज़ फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे एग्जाम और इससे रेलिवेंट हो जाती है ओके okay? तो इट्स ऑल राइट इसमें बहुत ज़्यादा अभी डिवेल नहीं करना है

ओके okay कर दिया है तो अब इसका इतना यूटिलिटी नहीं है वेटिंग नहीं कर रहे हैं इट इज़ ऑल राइट बूस्टर डोजेज विल बी प्रोवाइडेड फाइटिंग कोविड नाइन्टीन अब कोविड नाइन्टीन में भी जो स्ट्रैटेजी है ना ये इवॉल्व हो रही है बिकॉज ये वायरस इवॉल्व हो रहा है सो जस्ट नो द बेसिक्स अभी क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम यूजिंग म्यूजिक टू बेटर मैनेज डेमेंशिया डेमेंशिया क्या होता है भूलने लग जाते हैं चीज़ें म्यूज़िक जो होता है ये एक बहुत अच्छा हील करता है हीलिंग होती है म्यूज़िक से तो म्यूज़िक से आई भी बेटर होता है म्यूज़िक से कॉन्सेंट्रेशन बेटर होता है सो दिस इज़ गुड म्यूज़िक इज़ गुड वॉट मेक्स ह्यूमन रिएक्ट क्विकली टू नेगेटिव स्मेल हम नेगेटिव पे पहले फोकस क्यों जाता है बिकॉज नेगेटिव आते ही हमारा वार्निंग सिस्टम जो है जैसे स्पाइडर सेंस होते हैं ना ऐसे हमारा वार्निंग सिस्टम वार्निंग सिस्टम जो बॉडी का है वो एक्टिवेट हो जाता है तभी आप देखना नेगेटिव चीज़ों पे आपका फोकस पहले जाएगा इफ़ आई से कि आप रोज़ ये पढ़ोगे ऐसे तो आपका सलेक्शन हो जाएगा फोकस कम जाएगा बट इफ़ आई से अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो इधर फोकस ज़्यादा आएगा बिकॉज नेगेटिव ज़्यादा हमारा अट्रैक्शन नेगेटिव की तरफ पहले हम फोकस जाता है वॉट मेक्स ह्यूमन रिएक्ट क्विकली टू नेगेटिव स्मेल स्मेल भी ऐसे ही है ऑल फैक्ट्री स्मैल अब ये जो है ये है अफ़ग़ानिस्तान का प्राइमरली यहाँ पे ये बात की है कि अफ़गानिस्तान में क्या अभी ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ग्रो हो रहा है डेवलप हो रहा है ऑन द ब्रिंक है अफ़ग़ानिस्तान अपसी बेसिकली अगर हम देखें ना तो अफ़ग़ानिस्तान है क्या अफग़ानिस्तान में भी बहुत सारे ट्राइबल्स हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं अगर हम देखें कि वॉट इज़ तालिबान तो तालिबान भी एक वन एंटिटी नहीं है तालिबान में भी बहुत सारे फैक्शंस हैं फैक्शंस हैं और वो फैक्शंस अलग अलग इंटरनेशनल दिस पावर के इन्फ्लुएंस में भी है तो लोकल्स क्या है कौन सी पावर डोमिनेट करी है इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अभी अफगानिस्तान का अब यहाँ बात यह है कि इससे क्या हो रहा है इस पूरे पावर स्ट्रगल से क्या हो रहा है एक तो लोकल्स पावर स्ट्रगल है फिर फॉरेन प्लेयर्स भी आ गए इससे क्या हो रहा है यहाँ की जो आम जनता है वहाँ पर आ रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी विंटर का सीजन भी आ गया है फूड का सीवियर शॉर्टेज हो रहा है अफगानिस्तान वैसे ही बहुत वेल डेवलप तो है नहीं तो ये डिपेंडेंट था यूनाइटेड नेशन की एड्स पे और वो एड्स अब प्रोवाइड नहीं हो पा रही जो यहाँ की गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो इसके जो फॉरेन फंड्स हैं अभी वो फ्रीज हो गए सैंक्शंस लग गए तो ये और वर्किंग कैपिटल नहीं है इनके पास तो दैट इज़ वाई यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर बन रहा है वॉर टॉन कंट्री है अफ़गानिस्तान तो 20 साल की वॉर कंप्लीट हुई 2001 से 2021 यूएस का पुल आउट हुआ बट उसके बाद का जो अफगानिस्तान है वो भी शैम्बल्स में है ब्रिंक ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हम क्यों इतना वर्ड हैं बिकॉज़ यहाँ अगर ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आता है तो वो स्पिल होता है नेबरिंग कंट्रीज़ में दैट इज़ वाई वर्ल्ड इज वेरी वेरी कंसर्न तो हाउ बैड इज़ द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इट्स वेरी बैड यहाँ पे फूड का शॉर्टेज है एसेंशियल मेडिसिन नहीं है स्कूल्स ह्यूमन राइट्स एट्सट्रा का भी यहाँ पे सीवियर चैलेंजेस हैं इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेरिट हो गई है तो ये बात तो है और इसमें ऐसा भी नहीं है कि एड्स हम पहुँचाना चाहते हैं हेल्प पहुँचाना चाहते हैं बट अफगानिस्तान है लैंड लॉक्ड कंट्री तो हेल्प करने के लिए हमें पाकिस्तान ईरान सेंट्रल एशिया इस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है हम डायरेक्टली अफगानिस्तान का एक्सेस नहीं है तो इसलिए यू ने अभी यूनानमसली कहा था कि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड देना प्रायोरिटी होनी चाहिए इतने सारे लोग हैं अक्यूट फूड शॉर्टेज यहाँ पे हो रहा है अब तालिबान इज़ आल्सो नॉट वन एंटिटी यहाँ पे भी एक फैक्शंस हैं एक तो है दिस पाकिस्तान का पपेट दूसरा यहाँ का लोकल है एंड देन फिर आईएसआईएस का भी यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिला है सो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिकोगनीशन अभी तक मिला नहीं है कुछ कंट्रीज़ ने यहाँ पे अपनी एम्बेसीज कंटिन्यू रखी थी जैसे पाकिस्तान चाइना रशिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिप्लोमेटिक मिशन ओपन था काबुल बट इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशन क्लोज़ किया तो रिकोगनीशन इज़ ऑल्सो वन थिंग अफगानिस्तान में जब तालिबान लेड गवर्नमेंट है उसको वर्ल्ड ने अभी रिकोगगनाइज़ नहीं किया है कतर और सऊदी जो कंट्रीज़ हैं जिनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो भी अभी यूनाइटेड नहीं है यूनानिमस नहीं है कि क्या अप्रोच लेनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू अफग़ानिस्तान जैसे यूएई अभी रिसेंटली तालिबान को रीच आउट किया था बाय ओपनिंग एम्बेसी ऑपरेशन बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा देन वर्ड को यहाँ पे स्टेप इन करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं फंड्स भी रिलीज़ करने पड़ेंगे और एड्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके लिए फिर जो तालिबान की गवर्नमेंट है उससे टॉक्स भी करने पड़ेंगे प्रैक्टिकलिटी यही बोलेगी यहाँ जो एक पंजशीर एरिया है वहाँ पर पंजशीर वैली में रजिस्टेंस हो रहा था बट फिलहाल के लिए वो रजिस्टेंस भी नहीं दिख रहा है तो लेटस्ट वेट यहाँ पे किस डायरेक्शन में ये जाता है पॉलिटिकल थिंग अफगानिस्तान का बट ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है इसको इमिजिएटली एड्रेस करना बहुत जरूरी है फिर ये है व्हाट आर द हेड एंड टेलविंड द इकॉनॉमी ये हमारा प्लेन है इकोनॉमी का हवा अगर इधर से आ रही है तो ये टेक ऑफ करने में इजी रहेगा तो इसको बोलते हैं टेल विंड मतलब फेवरेबल कंडीशन है टेक ऑफ कर रहे हैं और हवा अगेंस्ट आ रही है सामने से तो इसको बोलते हैं हेड हेड विंड विंड मतलब टेक ऑफ करना डिफिकल्ट हो रहा है सो वॉट आर द हेड एंड टेल विंड द इकॉनॉमी तो सी इकोनॉमी में चैलेंजेस हैं इसमें बेसिकली रिकैप किया है पूरे दो हज़ार का कि जब से कोविड नाइन्टीन हुआ क्या प्रॉब्लम्स हुई तो कोविड के पहले भी इंडियन इकोनॉमी कुछ बहुत अच्छा कर नहीं रही थी वर्ल्ड इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर भी था इकोनॉमी ऑलरेडी डोल्ड्रम्स में थी और फिर होता है गरीबी में आटा गीला होना मतलब कोविड नाइन्टीन आ गया तो इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी और वो फिर हो जाती है नोज डाइव नोज डाइव होती है इकोनॉमी कोविड नाइन्टीन आता है लॉकडाउन का कल्चर स्टार्ट होता है और सीवियर लॉसेज होते हैं जॉब लॉसेज होते हैं इनकम लॉसेज होते हैं डिसरप्शन हो जाता है प्रोडक्शन सप्लाई चेन फिर टूरिज्म रेस्टोरेंट सर्विस जो होता है सर्विस सेक्टर तो ब्लीड हुआ है बहुत बुरी तरह बिकॉज ऑफ़ दिस लॉकडाउन तो कोविड नाइन्टीन का भी थ्रेट होता है और उससे क्या होता है डिसीज़ बर्डन आता है डिसीज़ बर्डन आता है तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम होती है डिसीज़ बर्डन आता है तो फिर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं सो so, ये एक विशेष साइकिल हो जाता है और इकॉनमी बहुत बुरी तरह पिटती है इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए फिर बाद में आती है दिस लाइक सेल्फ रिलायंट इंडिया आत्मनिर्भर भारत और आर इजी अकोमोडेटिव मनी पॉलिसी लाती है फ्री में फ्री नहीं मतलब बहुत ईजीली लिक्विडिटी पैसा बहुत ईजिली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं सो दैट लिक्विडिटी बनी रहेगी तो क्या होगा इकॉनमी रिकवर ईजी होगी ये स्ट्रैटी थी लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है सरप्लस लिक्विडिटी होती है तो आने लगता है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आता है तो सेविंग्स डिटीरिट होती है इन्फ्लेशन आता है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है तो फिर एक दूसरा प्रॉब्लम साइकिल चालू हो गया सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि इकोनॉमी रिकवर भी करना है और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी करना पड़ेगा तो इकॉनमी में एक चीज़ और यहाँ पे हुआ गवर्नमेंट ने रिलीफ़ पैकेजेस दिए इन्वेस्टमेंट्स का पैकेज दिया ज़्यादा जो फोकस था वो था प्रोडक्शन बढ़ाने का तो डिमांड नहीं आ रही है हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया सेल्फ रिलायंट के दिस पैकेजेस से बट वेयर इज़ द डिमांड खरीददारी नहीं है बिकॉज लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो ये एक अलग प्रॉब्लम हो गई प्लस जो फिर रिकवरी के कुछ ग्रीन शूट्स भी दिखे तो वो रिकवरी वी विल वी वॉज एक्सपेक्टिंग कि वी शेप होगी बट वो भी नहीं हो रहा के शेप रिकवरी हो रही है एक सेक्टर तो ऊपर गया दूसरा सेक्टर नोज डाइव हो गया तो ये पूरा चीज़ें एक रनिंग कमेंट्री है फूड ग्रेन का भी लॉजिस्टिक शॉर्टेज हुआ अभी टमाटर बढ़ गए थे प्राइस द पॉइंट इज इस पैंडमिक ने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है जो बेसिक्स है सप्लाई चेन की बात करें कोर इंडस्ट्री में भी डिफ़िकल्टी आई इन इन्फ्लेशन का इशू बना हुआ है तो अब रिकवरी कैसे करें रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं तो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आ गया तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर इकोनमी

सो पावर इज़ गॉन सो फिजिकल फेडरलिज्म इज ऑल्सो वन थिंग अब गवर्नमेंट इसमें क्या करे तो पहले तो हमें कोविड नाइन्टीन का जो थ्रेट है जैसे ओमिक्रॉन हुआ वैक्सीनेशन एंड ऑल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इससे हम ओवरकम करें हम डिमांड साइड भी करेक्ट करें और रिफॉर्म्स भी नेसेसरी लाएं ताकि जो पोस्ट कोविड ग्रोथ हो हमारी वो क्विक हो और स्ट्रॉग फुटिंग पे हो अभी एक और प्रॉब्लम ये भी हो रही है जैसे स्टॉक मार्केट्स में भी हमने देखा हॉट मनी जो है एफ वो पुल आउट कर रहे हैं यूएस बी क्या इजी मनी पॉलिसी रखेगा या नहीं रखेगा ये भी एक देखने वाली बात होगी तो ये है कि टेल विंड्स भी हैं और साथ ही साथ कुछ हेड विंडस भी हैं इकोनॉमी में हाउ इज इंडिया रेस्पॉन्डेड टू साज कोव टू वेरियंट्स अब सी ये भी हमने पूरा साल एवरी पढ़ा है तो एवरीडे का इसका डेवलपमेंट देखा है कि किस तरीके से चीज़ें ग्रो हुई इस साल भी वैसे डेजा वो टाइप लग रहा है तो दैट इज वाई डोंट ड्रॉप द गार्ड्स ओमिक्रॉन को लाइटली नहीं लेना चाहिए वैक्सीन स्ट्रेटेजी हमने स्टार्ट किया शुरुआत में ही वैक्सीन अप्रूवल मिल गया था भारत बायोटेक को वैक्सीन का बट वैक्सीन हेजिटेंसी बनी रही फिर हमने देखा फरवरी में केसेस बड़े कम हो गए थे पाँच हजार से भी कम केसेस आ रहे थे मार्च आते आते अचानक केसेस बढ़ने लग गए और अप्रैल में तो फिर ये बहुत डेडली डेल्टा दिस वेव आई इंडिया में और बहुत ज़्यादा हमने लाइफ भी यहाँ पे लॉस्ट किया है डिवास्टेटिंग इफेक्ट था दिस सेकेंड वेव का फिर वैक्सीनेशन का पेस बढ़ा और अभी फिर जैसे केसेस कम हो गए तो लोगों ने फिर ड्रॉप कर दिए गार्ड्स केयरलेस हो गए हैं तो ऐसा गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल तो ये पूरा रिकैप है सास कोव टू वेरियंट्स का न्यू फ्रंट इन द बैटल अगेंस्ट द पैनडमिक अब ये दो ड्रग्स आई है फाइज़र का मर्क ये वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन नहीं ये ड्रग्स हैं मतलब टैबलेट्स टाइप होगा ये तो अस होप कि ये बेटर हेल्प करें इन डीलिंग विद दिस कोविड नाइन्टीन एटलीस्ट जो सीवियरिटी है हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम हो तो ये दो ड्रग हैं इनका बस नाम याद रखना है हमें अभी इतना अप्रूवल वग़ैरह इन्हें मिला नहीं है तो इस सब चीज़ों में बहुत डिवेल नहीं करना चाहिए पैक्स और दिस मोलनू पेरावेर इसका नाम है दैट सॉल नो द नेम दैट सॉल जब इंडिया में हो जाएगा अप्रूवल मिल जाएगा तब ये हमारे काम की न्यूज है अभी इट्स नॉट दैट रेलिवेंट देस इज चाइनाज ऑफ शोर रूल्स टू कट अनसर्टेनिटी चाइना भी टाइटन कर रहा है दिस ऑफ शोर एंड फाइनेंशियल दिस लिस्टिंग लिफ्टिंग अट टाइटन कर रहा है स्क्रूटनी ओवर मेनलैंड कंपनीज और सेलिब्रिटीज को भी टाइटन कर रहा है एन सी एल ई टी ने बीयर मार्कर बताया एवरी थर्ड इनफॉर्मल वर्कर इज नाउ रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम दिस इज़ गुड ई श्रम एक पोर्टल है जिस पोर्टल में इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं वो अपने को रजिस्टर करा सकते हैं तो इससे क्या होगा लाइट इज बैक सो इससे क्या होगा रजिस्ट्रेशन होगा ना तो हमारी इकोनमी में हमारे पास डेटा होगा कि ये सारे इनफॉर्मल वर्कर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाएंगे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड तो ई श्रम याद रखना है दैन दिस इज इंडस्ट्री फाइनल फ्रंटियर अफ्रीका में देखो कैसे खेलते हैं हम देन ये कोल कट्स ऑफ लोटस स्टेम्प ये क्या है इसका नाम है चिलाई कालान ये क्या है चालीस दिन की हार्श विंटर स्पेल होता है कश्मीर में तो ये बद अभी चल रहा है दिसंबर ट्वेंटी फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है शिकाराज वगैरह है तो दिस इज लोटस स्टेम्स ये भी यहाँ पे एक कल्चर है यहाँ पे ब्रेविंग द बाइटिंग कोल्ड ऑफ दिसंबर डॉन फार्मर ऐसे यहाँ पे लोटस स्टेम यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है तो दिस इज द जम्मू कश्मीर इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल डेलीकेट बैलेंसिंग ऑल राइट सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर आज भी आंसर राइटिंग का ऑफ है बिकॉज इज संडे कंसोलिडेट एंड रिवाइज कल से हम इसको रिज्यूम करेंगे ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी safe